आप मुझे कहां ले आई? है इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। दो जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि आज की रात इतनी हसीन हो जाएगी। हसीन रात के नाम। अभी तो रात कम सिन है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। चीयर्स। मुझे डरा ही दिया था। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ,
मगर तुम नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी, वही बन कमरा, वही तन्हाई। चलो बेबी, डू यू वांट अ लिफ्ट? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप, आई मीन टू से जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी, तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहाँ नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती, मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी, उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती, मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है।
पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ, बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पाव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है, अब तुम सो रही हो, सो रही हो, अब तुम सो चुकी हो। जासमीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। निकालो अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जासमीन कहाँ हो तुम? वीराने में। मुमकिन है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जासमीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजू की बात तो यह है कि वह आवाज जासमीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जासमीन नहीं, मैं जासमीन नहीं हूं। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी, मार डालूंगी सबको। Ha ha ha!
गीता न 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 गीता नकीता की जिंदगी होगी। तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा और नकीता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। बेटी तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। बाबूजी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पापा आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया? पापा, पापा, पापा।
साहिला मत देखो उसकी तरफ, मत देखो उसकी आंखों में। लेकिन नहीं समझे जगमगाता हुआ उजाला होता है, हर मौत के बाद का अंत होता है।